हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल के बारे में बताऊंगा। एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी है। इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल, देखिए इसके लिए सूत्र देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल E=-L∆I/∆t। ठीक है, आप देखिए गिवन क्या क्या है, क्या क्या दिया गया है हमें। ठीक है, देखो L=कितना दिया गया है, स्वप्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी, मिली हेनरी, तो इसे हेनरी में बदलेंगे 40 × 10⁻³ हेनरी। ठीक है, अब देखिए और क्या दिया गया, डेल्टा आई क्या हो जाएगा, चेंज क्या हुआ आई में, 12 माइनस 2 = 10 एम्पियर। ठीक है, 10 एम्पियर डेल्टा आई हो गया। डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी कितने सेकेंड, 5 मिली सेकेंड बराबर 5 × 10⁻³ सेकेंड। अब ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, L = E = -L कितना है, 40 × 10⁻³। डेल्टा आई कितना है, 10 / 5 × 10⁻³, 5 × 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 40 × 10⁻³, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -40 वोल्ट। ये मैं वोल्ट में आता है। ठीक है बच्चों, ये आया हमारा 40 वोल्ट। ये टू वे है, टू मिस टू से मल्टीप्लाई होगी अभी, ये टू। ठीक है, तो 40 × 80 - 80 वोल्ट। ठीक है बच्चों, ये बच्चों अब देखिए -80 आया है, माइनस साइन क्यों आया है, तो माइनस साइन ये दिखाता है कि कुंडली में जो EMF है जो धारा परिवर्तन का विरोध करेगा, इसीलिए इसको माइनस साइन यही दिखाता है कि EMF की ऐसी दिशा में प्रेरित होगा ये, जो मतलब धारा परिवर्तन का विरोध करेगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।